चलना प्रारंभ करती है, विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है, मतलब प्रारंभिक वेग क्या है, जीरो हो गया ना, प्रारंभिक वेग कितना हो गया, u इज इक्वल टू जीरो मीटर प्रति सेकेंड। कोई प्रॉब्लम नहीं। जरा दो मिनट बाद, दो मिनट तक 0.1 मीटर प्रति सेकेंड के एक समान त्वरण से चलती है, इसका मतलब समय कितना हो गया, समय की इक्वल टू दो मिनट तक चलती है, दो मिनट पर, दो मिनट तक चलती है तो कितने सेकंड हो गए, दो गुणी साठ बराबर से, दो गुणी साठ बराबर से 120 सेकंड तक चलती है, समय ही पता चलेगा। त्वरण a इज इक्वल टू कितना है, 0.1 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, एक समान त्वरण से चलती है। तो परिकलित कीजिए प्राप्त की गई चाल, मतलब अंतिम वेग हमें ज्ञात करना है। तो तब ये t इज इक्वल टू क्या होता है, v माइनस u, या तो डायरेक्ट त्वरण का फॉर्मूला लगा दो, मतलब एक ही है, या तो बोल सकते कि v इज इक्वल टू u प्लस at होता है ना, गति का प्रथम नियम। तो v मतलब अंतिम वेग हमें ज्ञात करना है, u का मान कितना है 0 मीटर प्रति सेकंड, प्लस a का मान कितना है 0.1 मीटर प्रति सेकंड की पावर माइनस टू इंटू t कितना है 120 सेकंड। और इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखना एक सेकंड से एक सेकंड डेंसिटी, और 12 का इसमें गुणा करेंगे, 120 का गुणा करेंगे तो 12 मीटर प्रति सेकंड। तो अंतिम वेग कितना हो जाएगा, परिकलित प्राप्त की गई चाल है ना, तो चाल चाल वी बराबर से इतना हो जाएगा, ठीक, यही हमसे पूछा था। तय की गई दूरी की बात की है तो दूरी का फॉर्मूला लगाते थे, प्रारंभिक वेग गुणी समय और 1/2 त्वरण गुणी समय का स्क्वायर, क्या हो जाएगा दूरी एस इजिबल क्या हो जाएगा यूटी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, और यू का मान कितना है, प्रारंभिक वेग कितना है भाई 0 मीटर प्रति सेकंड, और इनटू समय कितना है 120 सेकंड, प्लस ये क्या हो जाएगा 1/2, और ये का मान कितना है, त्वरण कितना है 0.1 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, और इनटू समय कितना है, कहा गया समय 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 120 है ना, समय का स्क्वायर, तो 120 का 120 सेकंड का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 0 हो गया, तो 1/2 समय का स्क्वायर से समय का स्क्वायर कैंसिल, और 12 144 मतलब 144 डबल स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायर 120 का स्क्वायर करेंगे तो 14,400 हो गया, और इसमें इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो गया 1440 इंटू 1440, ठीक है, और ये इससे डिवाइड करेंगे तो 7 इकाई में आएगा, मीटर में आएगा ना, तो 2 × 7 = 14, 2 × 2 = 4 और 0, और इतना मीटर हो जाएगा। तो दूरी यस इज इक्वल टू कितना हो गया 720 मीटर दूरी तय करेंगे, ठीक है, यही हमसे यहाँ पर पूछा गया। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, कोई ट्रेन गाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, इसका मतलब ये क्या है, चल रही है ऑलरेडी चल रही है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब प्रारंभिक वेग, ठीक है ना, क्वेश्चन को समझते हमें समझना है क्या बोलना चाह रहा है, उसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, ऑलरेडी चल रही है, तो ये क्या हुआ प्रारंभिक वेग, रेलगाड़ी का प्रारंभिक वेग कितना होगा, वेग कितना होगा बराबर से 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसको मीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, हमने अभी यहां पर किया था 5/18 का गुणा करेंगे, तो क्या आ जाएगा 90 × 5/18 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, तो 18×5 = 90 मतलब 25 मीटर प्रति सेकंड, 25 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ब्रेक लगाने पर वह -0.5 मीटर प्रति सेकंड का एक समान त्वरण उत्पन्न करती है, मतलब त्वरण a इज इक्वल टू कितना होगा -0.5 मीटर प्रति सेकंड। याद रखना कि जब ब्रेक लगाया जाता है तो क्या होगा, स्पीड कम होगी, त्वरण ऋणात्मक रहेगा, जब ये एक्सीलरेट हो जाएंगे तो त्वरण क्या
माइनस ये प्रतीत करता है कि ब्रेक लगाया गया, प्लस ये प्रतीत करता है कि एक्सीलेटर दिया गया है। रेलगाड़ी विराम अवस्था में आने से पहले कितनी दूरी तय करेगी, मतलब अंतिम वेग भी दिया हुआ है, अंतिम वेग। गाड़ी क्या है, विराम अवस्था में आती है, ये प्रारंभिक वेग u है और v इज इक्वल टू 0 मीटर प्रति सेकंड। हमें दूरी ज्ञात करना है, त्वरण भी मालूम है, प्रारंभिक वेग भी मालूम है, अंतिम वेग भी मालूम है, तीसरे नंबर का फॉर्मूला लगा दो ना, तब मैं फॉर्मूले मालूम होना चाहिए। s इक्वल टू क्या होता है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a, क्योंकि 2a s इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर होता है। तो दूरी s बराबर से v का मान कितना है, अंतिम वेग 0 मीटर प्रति सेकंड, और माइनस u का मान कितना है, u का आ गया भाई 25 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय 2, और ये का मान कितना है, माइनस 0.5 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। ठीक, अभी यहां देखना यार, मीटर स्क्वायर और सेकंड की पावर माइनस 2, और यहां पर मीटर और सेकंड की पावर माइनस 2, तो एक मीटर बचेगा, बाकी सब खत्म। ये माइनस से माइनस कैंसिल, 25 का वर्ग कितना हो गया, 625 और मीटर, और यहां पर 25 सॉरी 5 × 10, तो ये कितना हो गया, 1 हो गया। फिर से और एक बार, ये माइनस माइनस कैंसिल, मीटर का वर्ग है तो 2 मीटर हो गए, और यहां पर 1 मीटर आया, तो 1 मीटर से 1 मीटर, 1 मीटर बचा, सेकंड की पावर माइनस 2, सेकंड की पावर माइनस 2 कैंसिल, तो इतना बचा, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, अतः दूरी कितनी होगी, यस इक्वल टू 625 मीटर होगी, यह तय करेगी, जैसा क्वेश्चन में बोला है। अतः विराम अवस्था में आने से पहले रेलगाड़ी कितनी दूरी, 625 मीटर की दूरी तय करेगी, ऐसा हम यहां बोल सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।